हेलो, छः मुश्किल से 5-6 बच्चे ही होंगे जिन्होंने देखा होगा। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको अपना सिलेबस निकाल लो नेट से, ठीक है। और आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। टाइम टेबल आपको सेंड कर दिया होगा शायद कि किस दिन आपकी क्लास होगी, ठीक है। सपोज़ अगर आपकी 10 से 11 क्लास है तो आपको क्या करना है, 10 मिनट पहले आपको लिंक सेंड कर दे रहे हैं सर, ठीक है। और लिंक जो सेंड कर रहे हैं फिर मुझे एक्सेप्ट करना है, मतलब जो भी तुम्हारी टीचर पढ़ाएगी, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, तो एक्सेप्ट मैं उसे ही करूँगी जिसकी फ़ीस क्लियर है, पहले तो यही बात नोट कर लो, ठीक है। और जो ये कोई देव सैनी है, ये नहीं मुझे पता कौन है, प्रॉपर नाम होना चाहिए जिसका, या आलतू फालतू के नाम एक्सेप्ट नहीं करूँगी मैं, चाहे उसकी फ़ीस सबमिट हो चाहे कुछ भी हो। एक ये राधे चौहान है, इसको पार्थ को समझा लो, ठीक है। और फिर क्या करना है, सपोज़ आपकी अभी 2 से क्लास चल रही है, ठीक है, 2-5 तक मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँगी जिसकी रिक्वेस्ट आएगी मेरे पास, ठीक है। देन क्या करना है, 2:10 तक 5 मिनट के अंदर आपकी अटेंडेंस होगी जैसे क्लास में होती थी, मैं आपका नाम लूँगी पर्टिकुलर, ठीक है, आपको यस मैम बोलना है, ठीक है। जब अटेंडेंस होने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना ऑडियो जो है ऑफ़ कर देना है, ठीक है। सब सुन लो, ऑडियो सबको ऑफ़ करनी है, ठीक है। ऑडियो ऑफ़ करने के बाद मैं लेक्चर लूँगी आपका ऑनलाइन, ठीक है। फिर क्या होगा, चाहे वो 30 मिनट का हो, 40 मिनट का हो, 25 मिनट का हो, जितना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 10 मिनट जो होंगे बचेंगे, आपको क्वेश्चन अपने रखना कि कोई क्वेश्चन किसी को पुट अप करना है तो हम उसका आंसर देंगे, ठीक है। और फिर बाद में आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। वो हमारी हेड है कि चाहे PDF में मिले चाहे कैसे मिले, ठीक है। तो पहले अटेंडेंस लगवा लो अपनी, आवाज़ सबको क्लियर आ रही है, चलो पता चल जाएगा अभी। अभिषेक तो है ही नहीं, अदिति अपना माइक ऑन कर लो, अहकाम कोने में जाके बैठ जाओगे कहीं, आकाश, अक्षय, हाँ बोलो आकांक्षा, बोलो क्या बोल रहे थे, हाँ बोलो अदिति। जिसकी अटेंडेंस होती जा रही है ना, वो अपना माइक ना, हाँ ठीक है, माइक अपना ऑटोमेटिकली ऑफ कर लो, ठीक है। आकाश, अल्तमिश, अक्षय, अंकित सैनी, अनमोल सैनी, अनुभव गर्ग, अनुभव गर्ग, ये सेठ है ना, सेठ हटा के गर्ग कर लो अपने नाम के आगे, एक्सेप्ट नहीं करूँगी कल से। अनुभव पोसवाल, आसिफ, फिरदोश, फिरदोश, हाँ जी फिरदोश बोल रहे हो, कौन, जब नाम लिया था तब कहाँ थे तुम, ठीक है। फिरदोश, हर्ष, जिशान शैफी, कैलाश, कपिल, काविश, मंजीत, मानसी गाबा,
सरफराज, सरफराज, एजाज, एजाज, अमान, जुनैद, वामिश, अनवर, मनोज शर्मा, नीलकांत, निशांत, पीयूष, पीयूष श्रीवास्तव, प्रशांत, प्रशांत, रॉबिन, सचिन, माइक ऑफ कर लो अब रॉबिन और सचिन, शव, सो रहे थे क्या? ना ना, वीडियो तुमसे बन जाती है, माइक नहीं खुलता तुमसे। शावेज अली, शाहरुख, तुषार, उत्कर्ष, तुषार, माइक ऑफ करो अपना, फिरदोश माइक ऑफ करो अपना, उत्कर्ष, हो गई, उत्कर्ष, विकास, विपुल गुप्ता, विपुल मलिक, किशन, वासिफ, अभिषेक जायसवाल, अभिषेक शुभम, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फार्मेसी प्रैक्टिस। देखा है सिलेबस खोल के? अपने सब्जेक्ट पता है इस बार सेवन सेम में कौन कौन से हैं? चार सब्जेक्ट हैं इस बार आपके थ्योरी के, NDDS है, नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, देन है फार्मेसी प्रैक्टिस, ठीक है, देन है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, और एक और है, चौथा मुझे ध्यान नहीं है अभी। हाँ वही एनालिसिस हो गया ना, एक फार्मेसी प्रैक्टिस हो गया, एक NDDS हो गया, और एक और रह गया शायद, इंडस्ट्रियल, हाँ इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड, ठीक है। अब अपने सब माइक ऑफ कर लो, जब मैं बोलूँगी ना माइक ऑन करने के लिए तो तब ऑन करना, अभी आप सब अपने माइक ऑफ कर लो। हेलो, हाँ तो मैं आपको पढ़ाऊँगी इसमें फार्मेसी प्रैक्टिस में, यूनिट फर्स्ट है हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले अपना क्या करना, सिलेबस डाउनलोड कर लेना। अभी तो मैं बाहर बाहर से बताऊँगी कि ओवरव्यू वगैरह क्या होता है इसमें, ठीक है। और इस बार आपका जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो भी एक ही है, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस पढ़ोगे, ऑनलाइन क्लासेस में हमें थोड़ा बहुत बताएंगे तुम्हें, फिर नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराएंगे, फिर पढ़ना आप लोगों को ही है, फोर्थ ईयर में आ चुके हो आप लोग, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट में है, अगर किसी को क्वेश्चन अभी से पुट अप करना है या कुछ पूछना है तो पूछ लो, आज छूट है, वरना बाद में क्लास के बाद ही पूछा करना, पूछ सकता है कोई, कोई है? हाँ इसी सेमेस्टर ही क्लियर होनी चाहिए। कौन बोल रहे थे आप? तो आपकी तो क्लियर है, आप क्यों पूछ रहे हो? जो हाँ नहीं, अगले सेमेस्टर की, जो अभी आपका सेमेस्टर गया है ना सिक्स सेमेस्टर की, उसकी क्लियर करा लो, ठीक है। हाँ तो बस सावंत की अब करा देना जब आपका मन होगा, लेट हो चुका है इसकी वजह से, ठीक है। और कोई, और कोई, और जो तुम्हारे फ्रेंड हैं सबका, सबके पास नंबर होगा तुम्हारा, ठीक है। तो जो जिनकी एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ मैं, उनको बोल देना पहले फ़ीस क्लियर करा लो, तब एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यही ऑर्डर आया है अभी हमारे पास। और किसी को कुछ पूछना है क्या?
अमान बोल रहे हो क्या? नाम तो बता दिया करो अपना, कौन बोल रहे हो? कर देना जब मन करेगा, वैसे भी लेट ही करते हो। ठीक है, हाँ तो कर दो, अगर तुम्हें करनी है तो करनी तो है ही, देखो ठीक है। अगर अभी आपको लगता है कि करनी है तो कर देना, ठीक है। और इस समय तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी, दिसंबर तक चलेंगी, ठीक है। टाइम टेबल अभी तुम्हें और मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस पर कोई अपडेट होगी तो हम तुम्हें बता देंगे। ऑनलाइन क्लासेस चला करेंगी तुम्हारी, फिर बाद में हम तुमको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको खुद बनाने हैं नोट्स वगैरह तो बना लेना, अच्छी बात है। तो इसमें मैं तुम्हें फार्मेसी प्रैक्टिस पे ये पढ़ाऊँगी, ठीक है। यूनिट फर्स्ट है इसकी, हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जैसे मैंने बताया था आपको कि थर्ड ईयर के बाद आपकी ट्रेनिंग होनी थी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। पता नहीं किसी बच्चे ने की भी होगी या नहीं की होगी, मुझे नहीं पता, ठीक है। और यूपी में ये भी रूल आया है कि इसमें हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका फार्मेसी प्रैक्टिस, इसमें तुम हॉस्पिटल से रिलेटेड जो सारी थ्योरीज वगैरह हैं वही पढ़ने वाले हो। ईजी सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। और वैसे भी प्रैक्टिकल तो आपके पास इस बार एक ही होगा, और कोरोना की वजह से प्रैक्टिकल का तो हो ही नहीं रहे हैं। तो फर्स्ट है इसका आपका हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल से कुछ समझते हो? कुछ भी अगर दिमाग में कुछ भी होगा तो बता सकते हो माइक ऑन करके। एनीवन फोर्थ ईयर में हो तो बता दो। वासिफ हेलो, पीयूष, काविश आवाज सुन रहे हो या नहीं? स्वीटी हेलो, कौन बोल रहा है? क्लियर नहीं आ रही आवाज। हेलो, हाँ इसमें फार्मेसी प्रैक्टिस में बच्चों मैं आपको यूनिट फर्स्ट बता रही हूँ, हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो लेटरल एंट्री के बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा भी होगा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है। अभिषेक हॉस्पिटल से कुछ भी आइडिया आ रहा होगा कि हॉस्पिटल होता क्या है, क्या होता है हॉस्पिटल में, वही सब कुछ तुम्हें इसमें बताना है। क्या होता है हॉस्पिटल अगर किसी को पता हो तो, जहाँ से हमें दवाई मिलती है? अनुभव सेठ, रुक जाओ, अनुभव सेठ सो गया क्या? हेलो, हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? हाँ बोलो हर्ष, ठीक है। ठीक है, ओके। तो अगर हम इसे डिफाइन करें तो हॉस्पिटल को हम ये भी कह सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, जहाँ पे फिजिशियंस की टीम होती है, सर्जन्स होते हैं, टेक्निकल स्टाफ होता है, ठीक है, जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डायग्नोसिस की, थेरेपी की, प्रिवेंशन की, एजुकेशन भी मिलती है जैसे कि आपने बताया है, और रिसर्च वगैरह भी, ठीक है। इसको हम बताएं तो हॉस्पिटल यही हो सकता है। इसकी मैं बुक आपको बता दूंगी, अभी कोई पर्टिकुलर बुक तो आई नहीं है क्योंकि आपका नया सिलेबस है, जो पुरानी बुक है उसमें सबसे पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। देन क्या फंक्शन क्या होते हैं हॉस्पिटल के, मतलब हमें ये मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, देन क्या कर रहा है ये, हमें कॉमन लिंक बन रही है हमारी पब्लिक और पॉलिसी के बीच में, या पब्लिक के बीच में जो हमारे डॉक्टर्स फिजिशियन होते हैं उनके बीच में लिंक बन जाती है, ठीक है। देन क्या होता है, ये ग्रोथ भी करता है मेडिकल साइंस की, मेडिकल साइंस की ग्रोथ होती है कहाँ होती है, जिस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना वहाँ पे होती है, ठीक है। देन क्या होता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ये एजुकेशन ऑफ फॉर ऑल पर्सन के लिए, ठीक है, जिस समय एजुकेशन सबको मिल सकती है। किसी किसी हॉस्पिटल में होता है, सब में नहीं बोल सकते हम, ठीक। देन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल होता है बच्चों आपके उसके क्लासिफिकेशन अलग अलग होते हैं। कहीं आपने देखा हो छोटा हॉस्पिटल होता है जहाँ पे BMS जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनका भी हॉस्पिटल होता है अलग से, कुछ होता है जैसे जॉली ग्रांट वगैरह हैं यहाँ पे आरोग्य में आपके बराबर में, इसमें रिसर्च भी चल रहा है और हॉस्पिटल भी चल रहा है। देन कौन कौन सा होता है, एलाइड हॉस्पिटल होते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, उसमें अपनी मर्जी से कितने बेड हम डाल सकते हैं, ऐसा भी होता है। कुछ बजट हॉस्पिटल होते हैं कि हमें इस बजट में इतना बनाना है,
जैसे ये जो बजट हॉस्पिटल आते हैं ना, ये तुम्हारे सिविल हॉस्पिटल वगैरह जो होते हैं, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं, ये उसमें आते हैं, ठीक है। कुछ एलोपैथिक हॉस्पिटल भी होते हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी होते हैं, होम्योपैथिक हॉस्पिटल भी होते हैं, यूनानी हॉस्पिटल भी होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं हॉस्पिटल को दोबारा से बताऊँ तो हॉस्पिटल में क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें फिजिशियन, सर्जन्स और जो टेक्निकल टीम होती है, ठीक है, वो वर्क करते हैं और क्या प्रोवाइड कराते हैं, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे डायग्नोसिस की, थेरेपी की, प्रिवेंशन की, एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। और अगर हम वैसे बताएं कि क्लासिफिकेशन अगर हम आपको बताएं चार इसके बाद यूनिट वाइज, तो इसके क्लासिफिकेशन होते हैं, चार टाइप के होते हैं, ऑन द क्लिनिकल बेसिस। फर्स्ट है आपका ऑन क्लिनिकल बेसिस, ठीक है। क्लिनिकल बेसिस में क्या होता है, अलग अलग आपके डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। पेडियाट्रिक का डिपार्टमेंट आपका अलग हो गया, ठीक। देन क्या होता है, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, वो अलग डिपार्टमेंट हो जाता है आपका। टीबी वगैरह का होता है, वो अलग डिपार्टमेंट हो जाता है, जो टीबी के पेशेंट को देखते हैं, ठीक है। जनरल मेडिसिन, जहाँ से जनरल मेडिसिन तो वहाँ आप ले सकते हो, जो ओपीडी वगैरह होती है, ठीक है, ये हो गया मेडिसिन वगैरह का। नेक्स्ट होता है सर्जरी वगैरह जहाँ पे होती है, ठीक है, ऑर्थोपेडिक भी हो सकता है वो, गायनेकोलॉजी भी हो सकता है वो, ENT भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देन मैटरनिटी हॉस्पिटल होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं ये, लॉन्ग टर्म भी होते हैं। जब आपको नोट्स मिल जाएंगे ना तो अब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये था क्लिनिकल बेसिस के टाइप पे, मेडिसिन होता है इसमें, सर्जरी होती है, मैटरनिटी होती है। नेक्स्ट है आपका साइज़ के बेस पे जो हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया किसी किसी हॉस्पिटल में, कुछ जो हॉस्पिटल होते हैं किसी किसी में 50 बेड्स भी होते हैं, ठीक है। किसमें होते, ये आ जाता है स्मॉल हॉस्पिटल में। देन क्या होता है मीडियम हॉस्पिटल, उसमें क्या होता है 100 से 500 तक जो बेड होते हैं वो मीडियम हॉस्पिटल में आ जाएगा, ठीक है। देन होता है लार्ज हॉस्पिटल, लार्ज हॉस्पिटल में क्या होगा 500 होता है, 500 से 1000 तक के बेड्स अवेलेबल हो सकते हैं वहाँ पे, हम रख सकते हैं, ठीक है, या उससे अबव, ठीक है। ये हो गया था आपके साइज़ के बेस पे। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, पहला था क्लिनिकल बेसिस, उसमें मेडिकल, मेडिसिन, सर्जरी और मैटरनिटी आ रहा था। नेक्स्ट था साइज़ के बेसिस पे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। देन है कॉस्ट के बेस पे, ठीक है। जैसे ये प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह होता है, उसमें क्या होता है आपको AC वगैरह मिलता है, ब्लोअर मिलता है, डिलक्स रूम मिलते हैं, टेलीफोन वगैरह मिलता है, रेफ्रिजरेटर वगैरह सारी फैसिलिटी मिलते हैं, ठीक है। उसका वो अलग से चार्ज लेते हैं आपके लिए, आपसे जब आप जाते हो एडमिट होने के लिए। सिंपल रूम भी होते हैं वहाँ पे, और जो स्टैंडर्ड वाले रूम होते हैं वो भी होते हैं, ठीक है, वो आते हैं एलाइड हॉस्पिटल में। नेक्स्ट है आपका बजट हॉस्पिटल, ठीक है। बजट हॉस्पिटल में क्या होता है, एक बजट होता है कि इस बजट के अंदर भी, सपोज हमें 5 करोड़ का बजट दिया कि 5 करोड़ के अंदर अंडर हमें हमें अपना हॉस्पिटल बनाना है, ठीक है। इसमें आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह, जैसे सिविल हॉस्पिटल हो गया, चैरिटेबल हॉस्पिटल हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, फोर्थ आता है ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का सिस्टम हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा फॉलो करके हमने जो हॉस्पिटल है वो बनाया है, ठीक है। पहला हो गया इसमें एलोपैथिक हॉस्पिटल, सब नोन हो आप उससे, ठीक है। देन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी होते हैं, देन होम्योपैथिक हॉस्पिटल भी होते हैं, देन यूनानी हॉस्पिटल भी होते हैं, ठीक है, समझ आ गया, इज इट क्लियर। फोर्थ ईयर बोल सकते हैं, अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो। हेलो, क्लियर है, ठीक है। यस मैम, तो बहुत बोल रहे हो, लिखता कुछ होनी फिर। देन आता है इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल, ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, हमारा कॉलेज है, ठीक है, ट्रस्टी सर हैं, ट्रस्टी सर से फिर क्या है, डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर से फिर क्या है, फैकल्टी हैं, फैकल्टी से फिर स्टूडेंट्स हैं। ऐसे ही जो हॉस्पिटल वगैरह होता है उसका भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, उसमें गवर्निंग बॉडी होती है, गवर्निंग बॉडी के बाद डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ होती हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, फाइनेंस की कमेटी होगी, डेवलपमेंट की कमेटी होगी, पब्लिक रिलेशन की कमेटी होगी, ठीक है। देन उसके बाद क्या आता है, क्लिनिकल सर्विसेज वगैरह होती हैं, कि हम क्लिनिकल सर्विस उनको कैसी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव में हम कैसा कर रहे हैं, कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। एम्बुलेटरी सर्विस होती है, मतलब इमरजेंसी सर्विस होती है, नर्सिंग सर्विस होती है, प्लस और क्या रह गया, और क्या होता है इसमें हॉस्पिटल में, और कोई सर्विस रह गई,
क्लिनिकल सर्विस हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गई, एम्बुलेटरी हो गई, एम्बुलेटरी मतलब इमरजेंसी को समझ सकते हो आप, ठीक है, नर्सिंग सर्विस रह गई, और कोई फोर्थ ईयर, और कुछ रह गया, फार्मेसी, फार्मेसी प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, फार्मेसी प्रैक्टिस हो गई आपकी, तो वो रह गई, ठीक है। जैसे किसी भी क्या सुन गया मुझे, ठीक है, फार्मेसी प्रैक्टिशियन नहीं, फार्मेसी प्रैक्टिस बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो जैसे भी कॉलेज फार्मेसी टेक्नीशियन, वो नर्सिंग में नहीं आएंगे, वो तो नर्सिंग में आएंगे जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो जैसे इसकी अलग अलग सर्विस है, हॉस्पिटल आपको अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। नर्सिंग सर्विस में क्या होता है, वो हमारी केयर टेक करते हैं, ठीक है, हमें देखते हैं, नर्सिंग की सारी फैसिलिटी वो हमारी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, 24 आवर्स तक वो हमारे लिए देखभाल करते हैं। जब भी हम अगर एडमिट होते हैं, कुछ भी होता है हमें, तो हम हॉस्पिटल में ही जाते हैं, ठीक है। देन होती है एक आउट पेशेंट सर्विस। आउट पेशेंट सर्विस में क्या होगा, इसको हम OPD भी बोल सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर के पास गए हमें, हमने उसको बताया कि हमें ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने हमारा ट्रीटमेंट किया, हमें प्रेस्क्रिप्शन दिया, देन हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं OPD से और आ जाते हैं, ये भी उसकी सर्विस का एक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेडियोलॉजिकल सर्विसेज भी होती हैं, जैसे सिटी स्कैन वगैरह होते हैं, एक्सरे वगैरह होता है, ECG वगैरह होती है, ये भी हॉस्पिटल की एक सर्विस है, ठीक है। देन है हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस, सब नोन हो आप इससे, ठीक है, कि ड्रग डिलीवरी कैसी होगी, स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट भी इसी में ही आता है। और क्या होता है हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस में, जो हमारी जो मेडिसिंस वगैरह होती हैं, ठीक है, हम उनको अरेंज करके कैसे रख रहे हैं, ये भी इसमें ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह, ये भी हॉस्पिटल का ही सर्विस का एक पार्ट है। मेडिकल रिकॉर्ड, जो भी कोई पेशेंट वगैरह आता है, एडमिट होता है, डायग्नोसिस होता है उसका, तो उसका मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह सब हॉस्पिटल के पास ही रहता है, ठीक है, अगर फ्यूचर में किसी को ज़रूरत पड़ जाती है तो हम दिखा सकते हैं उन्हें। देन स्टोर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टोर में क्या अगर रख सकते हैं, हम मेडिसिन वगैरह रख सकते हैं, एक्स्ट्रा जो हमारा और सामान होता है जो यूज़फुल है वो रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हॉस्पिटल, थोड़ा ही बता रही हूँ आज, हॉस्पिटल बताया है। हॉस्पिटल क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जहाँ पर हमें फिजिशियन, सर्जन और टेक्निकल स्टाफ की टीम एक तरह से जुट होकर काम करती है, ठीक है। वो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, डायग्नोसिस कराते हैं, वो हमारी थेरेपी करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, एजुकेशन एंड रिसर्च इसी में भी ऐड करना है आपको, ठीक है। देन क्या है, फंक्शन क्या क्या होते हैं हॉस्पिटल के, देन है आपका हॉस्पिटल कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के हो सकते हैं, हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन क्लिनिकल बेसिस। क्लिनिकल बेसिस में मेडिसिन था, सर्जरी था, मेटर्निटी था, ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मैंने बताया आपको इस पे जो होते हैं, स्मॉल हॉस्पिटल होते हैं, देन लार्ज मीडियम हॉस्पिटल होते हैं, देन लार्ज हॉस्पिटल होते हैं। थर्ड है फिर ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, इसमें एलाइड हॉस्पिटल मतलब जो जिनकी अलग से हम सर्विस देते हैं, ठीक है। देन बजट हॉस्पिटल, जिसकी भी ये जिसने भी ऑडियो ऑन किया हुआ है ना, ये ऑडियो ऑफ कर लो, ऑडियो ऑन करने का तुम्हें मौका मिल जाएगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है, किस सिस्टम को हम फॉलो करें और किस सिस्टम को हमने फॉलो करके जो है हॉस्पिटल है हमारा, हमने वो बिल्डअप किया है, ठीक है। सपोज एलोपैथिक भी हो सकता है वो, आयुर्वेदिक भी हो सकता है, होम्योपैथिक भी हो सकता है, यूनानी हॉस्पिटल भी हो सकता है। देन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आती है गवर्निंग बॉडी होती हैं, जो गवर्न करती हैं कि हाँ मैं हमें हॉस्पिटल वगैरह है जो वो बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, कमेटीज़ बनती हैं कि आप अलग अलग कमेटीज़ बन रही हैं, आपको ये देखना है, आपको ये वर्क दिया जा रहा है, आपको ये वर्क दिया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव वर्क हो सकता है उसमें, फाइनेंस का वर्क हो सकता है उसमें, डेवलपमेंट का वर्क हो सकता है उसमें, पब्लिक रिलेशन का भी वर्क हो सकता है उसमें, ठीक है। देन क्या आता है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है बच्चों, अलग अलग सर्विस मिलती है आपको, क्लिनिकल सर्विस मिलती है, एम्बुलेटरी सर्विस मिल रही है आपको, नर्सिंग सर्विस मिल रही है, फार्मेसी सर्विस मिल रही है, और रेडियोलॉजिकल सर्विस मिल रही है, हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस मिल रही है, स्टोर्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह, ये सब आता है आपका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बुक वगैरह मैं आपको बता दूंगी, कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आया तो पूछ सकते हो फार्मेसी प्रैक्टिस के अलावा भी, लेकिन क्वेश्चन लीगल होना चाहिए।
रिलेट नहीं कर सकते हम बराबर में तो है आप। हाँ जो मेडिकल कॉलेज में देखो जैसा होता है आपके, जैसे ये नर्सिंग वगैरह है ठीक है, MBBS वगैरह कर रहे हैं ठीक है, तो ये एजुकेशन रिलेटेड नहीं है, जॉली ग्रांट वगैरह है तो ये रिलेटेड हो नहीं रहे हैं ठीक है वासिफ। और पूछो, दिमाग खराब मत करो ठीक है, फार्मेसी प्रैक्टिस चल रहा है यहाँ पे, अब तो सीरियस हो जाओ, फोर्थ ईयर में आ गए हो, कंपनी में धक्के खाओगे फिर अगले साल। और पूछो, आसिफ। ऑडियो ऑफ कर लो अपनी, ऑडियो ऑफ कर लो, ऑडियो ऑफ करो अपनी। ऑडियो ऑफ कर लो अपनी फोर्थ ईयर फिरदोश, वीडियो ऑफ कर लो अपनी। जो भी हंस रहा है ना उसकी अटेंडेंस अभी लगी नहीं है, जो जो आए थे ठीक है, जो क्लास में 10 मिनट के अंदर आ जाएगा तो आ जाएगा, बाकी गए सब। और ये अटेंडेंस का रिकॉर्ड है ना, आगे जाएगा ये। कुछ पूछना है और कुछ? फोर्थ ईयर बोलो, अभी तक तो यही आया है हमारे पास नोटिफिकेशन, क्योंकि कोरोना इतना फैल रहा है क्या कर सकते हैं, सोचा तो यही है ठीक है। और फिरदोश, फिरदोश पूछना है कुछ बोलो, ऐसा कर, हम ना ऐसा कर रहे हैं इसको ना रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ठीक है, जब आपको अगर छूट जाता है तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन आपको थोड़ा पंचुअल होना पड़ेगा, आज फर्स्ट लेक्चर था इसलिए छूट मिल चुकी है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा फिर दोस्त, कर लो थोड़ा बहुत ठीक है, ठीक है वो बाद में मिलेंगे, क्योंकि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा आपको एफर्ट्स आपको भी लगाने होंगे। और कोई आ जाओ, अभी दे दूँगी नोट्स, नोट्स का मतलब है क्या आप लोगों को, बुद्धि में भी तो घुस घुसना चाहिए, नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स की प्रॉब्लम मत लो ठीक है। और अपने फ्रेंड्स लोगों को बोल देना, दे सैनी है ये, राधे चौहान है ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनकी तो राधे चौहान की तो फीस ही सबमिट नहीं हुई है पार्थ की, देव सैनी मुझे नहीं पता कौन है, जो पर्टिकुलर नाम होना चाहिए आपका तभी एक्सेप्ट होगा ठीक है। और कोई, और जो लेट आ रहे हैं उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, पता है मुझे सेठ है
ना नाम चेंज कर लेना, तो कलकत से एक्सेप्ट ही करूँगी। और कोई? पीयूष, आसिफ की अब लूँगी मैं। आसिफ की अटेंडेंस अब आ रहा है 2:30 बजे ही है। चल फिर के चल चल लेते हैं, सुधरोगे नहीं मतलब। और कोई? और कोई? ऑडियो ऑफ कर लो। पीयूष कुछ को पूछना है? ठीक है। और ये जिशान सैफी, ये SFU, ये क्या है? अपना नाम चेंज कर लो प्लीज़, एक्सेप्ट नहीं करूँगी कल से। ठीक है, रॉक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, भूल जाओ जो भी कोई बोल रहा है, जिसका एग्जैक्ट नेम मुझे पता है, जो यहाँ पे लिस्ट में है मेरे पास, वो ही एक्सेप्ट होंगे कल से। और कुछ? और कुछ? आपके पास टाइम टेबल आ चुका है शायद ग्रुप में। पहले अपनी ये फिरदोश अपनी ऑडियो बंद कर दो प्लीज़। फिरदोश अपनी ऑडियो बंद करो। क्लासेस का टाइम टेबल हमने ग्रुप में आपको सेंड कर दिया जाएगा कि कब कब है आपकी क्लासेस। ठीक है, 10 मिनट पहले आपको लिंक भेज दिया करेंगे ग्रुप में। आप जल्दी से गूगल मीट को, जिसके पास नहीं है गूगल मीट, इंस्टॉल कर लो। ठीक है, गूगल मीट के थ्रू आपकी क्लासेस चला करेंगे। और सबके पास अच्छे अच्छे फ़ोन हैं एंड्रॉयड के। स्क्रीन रिकॉर्डर किसके पास है? स्क्रीन रिकॉर्डर भी होगा इसमें? अनुभव को ज़रूरत नहीं है, अनुभव। अगर किसी की क्लास मिस हो रही है, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डर ना आप लोगों के पास में होगा, एंड्रॉयड के फ़ोन में तो है, रियलमी या MI वगैरह के फ़ोन में है, तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो आप अपने फ्यूचर में के लिए कि कुछ मिस तो नहीं हुआ है। ठीक है, शेयर कर सकते हो फिर दूसरे बच्चे के पास, वो आपकी हेडक है। और नोट्स वगैरह आपको बाद। आसिफ वो बोलती बंद कर लो अपनी। और जो लेट आएगा उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, ये बात भी क्लियर है। और कुछ पूछना है बच्चों? तो वो तो एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, नेटवर्क इशू का तो हम कुछ नहीं कर सकते। कौन बोल रहा है ये? तुम्हारे फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, मजाक कर रहे हो? वो मुझे कोई दिक्कत वो हो नहीं है। ठीक है, वो तुम्हारी हेडक है, लेकिन 5 मिनट के अंदर एक्सेप्ट होगी, आगे नहीं होगी। ठीक है, अब तुम्हारी नेक्स्ट क्लास चलेगी। पहले चुप ही हो जाओ, अब चुप ही हो जाओ पहले। अब नेक्स्ट क्लास होगी तुम्हारी NDDS की अब। ओके, थैंक यू।